हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिमित और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिविल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट की फाइनेस टेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर दो वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो वीडियो रहेगा वो पहला होगा और सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए डाल दूंगा। आज का जो वीडियो है उसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस के ऊपर, मीन्स हमें फाइनेंस टेस्ट क्यों करनी चाहिए, सीमेंट के ऊपर हमें फाइनेंस टेस्ट क्यों करना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ पे ये इफेक्ट करता है सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको जानकारी होना, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिसको ये जो मटेरियल टेस्ट है उसकी सारी प्रोसीजर से लेके सब पता होता है, कैलकुलेशन से लेके सब कुछ, बट उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता नहीं होता कि हमें वो टेस्ट क्यों करना चाहिए, वही उनको पता नहीं होता। अगर आपको ये पता नहीं है तो टेस्ट के बारे में आपको कितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो ज़्यादा मायने नहीं रह पाती। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए आज उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फाइनेस का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो सीमेंट का पार्टिकल है उसकी मेन साइज। ये टेस्ट के ऊपर से बेसिकली हमें फाइंड करना है कि जो आपका सीमेंट के पार्टिकल है उसकी मीन साइज क्या है। जो आपका अगर आप सीव एनालिसिस मेथड का यूज़ करोगे तो इसमें 90 माइक्रोन सीव से आपका कितना मटेरियल रिटेन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये क्यों फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम ये वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा बेसिकली पर्पज़ है फाइनेस टेस्ट का। अभी देख लेते हैं कि इसका ये हमें क्यों करना है। दोस्तों, इसके लिए हमें सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस के ऊपर जाना होगा। दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि सीमेंट जैसे वाटर या किसी भी प्रकार के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपका सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होता है तो वाटर का एक पतला से लेयर, एक थीन लेयर सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर बन जाता है, और जैसे जैसे आपका वाटर उसमें ऐड होता जाता है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती चली जाती है, वैसे वैसे ये जो वाटर का थिन लेयर है वो बड़ा होता चला जाता है, और ये लेयर जो है वो सीमेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट करता जाता है। इस कंडीशन में अगर आपके सीमेंट के पार्टिकल्स बड़े रहे क्या होगा, तो वहाँ पे आपका हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बिकॉज आपका जो सीमेंट का जो सेपरेशन है, सीमेंट पार्टिकल्स का जो सेपरेशन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा और उसकी वजह से आपका हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके सीमेंट पार्टिकल की साइज छोटी रहे, स्मॉलर पार्टिकल्स रहे, उस कंडीशन में आपके जो पार्टिकल का सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। उसकी वजह से आपका हाइड्रेशन प्रोसेस है वो इतना स्लो नहीं होता कंपेयर टू बिगर पार्टिकल। ये दिखाता है कि अगर आपका स्मॉलर पार्टिकल्स रहा तो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी जल्दी मिल जाएगी, जो इनिशियल स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं वो आपको बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीमेंट पार्टिकल है उसकी मेन साइज क्या है। दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, काफ़ी सारे रिसर्चेज हुई है और उससे कुछ कंक्लूजन्स बाहर आए हैं, और कंक्लूजन्स क्या है वो मैं आपको शायद यहाँ पे शेयर करूँगा। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फाइनेस्ट का इफेक्ट क्या है स्ट्रेंथ के ऊपर सीमेंट के। दोस्तों, मान लीजिए आपका सीमेंट पार्टिकल की मेन साइज 1 माइक्रोमीटर। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सीमेंट है वो सिर्फ एक दिन में इनिशियल स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। मीन्स अभी आपको जो ओपीसी सीमेंट सपोजिंगली आपने यूज़ किया तो आपको एटलीस्ट 20 डेज, 28 डेज लगते हैं पूरी हाइड्रेशन प्रोसेस ख़त्म होने में और पूरा आपको स्ट्रेंथ गेन करने में। वो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक ही दिन में ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। और सेम उसी तरह से अगर आपका पार्टिकल की साइज रही 10 माइक्रोन की, उस कंडीशन में लगभग 1 महीना लगेगा आपकी पूरी हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होके एंटायर स्ट्रेंथ मिलने में। ये दिखाता है कि आपका जो पार्टिकल की साइज है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इनिशियल स्ट्रेंथ के ऊपर। इसलिए बहुत ज़रूरी है
आपको पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से आपको सीमेंट को चूज करना है और अकॉर्डिंगली आपको सीमेंट की जो मेन साइज है वो पता होनी चाहिए। और ये तो हो गई सीमेंट की मेन साइज के लिए। बट दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स हम रखेंगे सो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आपका हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत तेज रहेगा तो आपको आपका जो सीमेंट है वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाएगा। सो उस कंडीशन में आप प्रॉपर मिक्सिंग हैंडलिंग कर नहीं पाओगे। सो यही वजह है कि कभी भी सीमेंट जो है सिर्फ एक ही पार्टिकल साइज से बनाया नहीं जाता, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज का यूज़ किया जाता है और उसके डिफरेंट प्रपोर्शंस वहाँ पे रखे जाते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो भी सही से मेंटेन होगा और आपका जो सेटिंग टाइम है वो भी आप प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे। सो इसके लिए जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है वो कुछ प्रपोर्शंस का यूज़ करती है और अकॉर्डिंगली आपको सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है। सो प्रपोर्शंस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। सो नॉर्मली जो प्रपोर्शंस यूज़ किए जाते हैं वो ये है कि अगर आप आपका जो 2 माइक्रोन के पार्टिकल्स है उससे कम साइज़ वाले पार्टिकल्स नॉर्मली 10% रखे जाते हैं। मीन्स आपके जो 10% पार्टिकल्स रहेंगे वो 2 माइक्रोन से कम रहेंगे टोटल सीमेंट से, राइट। सेम उसी तरह से नेक्स्ट 10% पार्टिकल्स जो सीमेंट में रहेंगे वो 50 माइक्रोन से ज़्यादा रहेंगे। सो यहाँ पे आपका सेटिंग टाइम मेंटेन हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या है यहाँ पे, इससे क्या होता है कि आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाएगा और सेकेंड कंडीशन से आपका जो सेटिंग टाइम है वो आपको सफिशेंटली मिल पाएगा। सेम उसी तरह से बहुत कम ऐसे परसेंटेज पार्टिकल होते हैं जिसकी साइज 90 माइक्रोन से ज़्यादा रखी जाती है। सो ये कितनी साइज है, ये 90 माइक्रोन से ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर से हम जज कर सकते हैं कि ये जो हमारा सीमेंट है वो लगभग कितने दिन में हमें पूरी स्ट्रेंथ गेन करके दे देगा। सो इसके ऊपर से जो सीमेंट की फाइनेस्ट टेस्ट है उसकी लिमिट डिफाइन की गई है कि कितने परसेंट पार्टिकल्स रहे तो सीमेंट को हम सही मान सकते हैं, वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। सो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि सीमेंट का जो पार्टिकल की साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इसकी स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोसेस के लिए। सो बेसिकली दोस्तों हम सिर्फ सीव एनालिसिस मेथड के बारे में ही जानते हैं बट ऐसा नहीं है। ये जो फाइनेस की टेस्ट है उसके लिए भी बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहली जो सबसे पॉपुलर है वो है सीव मेथड, बिकॉज इसकी प्रोसेस वगैरह काफ़ी सिंपल है इसलिए पॉपुलरली ये यूज़ किया जाता है। बट दूसरी और भी मेथड्स है जैसे कि एयर परमेबिलिटी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। सो ये जो डिफरेंट टेस्ट है वो भी कभी कभार यूज़ की जाती है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज पता चल गया होगा कि फाइननेस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, फाइननेस टेस्ट कहाँ पे आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर अफेक्ट करता है और किस तरीके से। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि ये टेस्ट कैसे की जाती है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेशंस की जाती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।